नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मेरे साथ हरियाणा के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक अमित सिहाग, और उनके पिताजी भी हैं डॉक्टर केवी सिंह जी। डॉक्टर केवी सिंह जी का इतिहास इतना सा बता दूं कि मध्य मार्ग के व्यक्ति माने जाते हैं, और आज अगर किसान आंदोलन की बात करें तो ये लोग अभी एक बहुत बड़ी रैली कृषि कानूनों के खिलाफ निकाल कर आए हैं। पहले वो रैली आप देखिए और उसके बाद हम डॉक्टर केवी सिंह जी से पूछेंगे कि मध्य मार्ग में चलने वाले व्यक्ति आज एकदम से खिलाफ कैसे हो गए। तो सर, आप बताइए कि आज बड़ी धमाकेदार रैली, ट्रैक्टर रैली आपने निकाली, नेशनल हाईवे एकदम जाम। वैसे आप व्यक्ति वो हैं जिन्हें ओएसडी के तौर पर जो रहे, ताऊ जी के साथ काम किया, उसके बाद आप जो है हुड्डा सरकार में भी काम किया, मध्य मार्ग आपसे उम्मीद की जाती है और आप तो एकदम विरोध में आ गए। नहीं, मध्य मार्ग कैसे, ये मैं किसान पहले हूँ, बाकी पद बाद में है। जब किसान की लड़ाई हकों की लड़ाई है, और उसमें मैं किसान के नाते भी, किसान का बेटा होने के नाते मेरा एक नैतिक फर्ज बनता है कि किसान की सबसे ज़्यादा जाति हो रही है उस तीन कानूनों के मार्फत, तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाना मेरा एक नैतिक धर्म है। उस नैतिक धर्म को निभाने के लिए मैं आज आया हूँ, ना कि कोई किसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। एक किसान के रूप में मेरा नैतिक फर्ज था, मैं अब चुप कैसे रह सकता था इस। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप कहते हैं कि कानूनों के खिलाफ आप प्रदर्शन करने आए हैं, सवाल उठता है कि ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है या कानूनों के खिलाफ? नहीं, ये बात तो बनाने वाला कौन है। मैं आज हम आए, जो कानून है वो हमारे अहित करता है, हमारे हितों के खिलाफ है, और सिर्फ किसान के नहीं। अगर खेती नहीं रही तो किसान तो बर्बाद होगा, उसके साथ मजदूर भी बर्बाद होगा, और उसके साथ जब मंडी ख़त्म होगी, प्राइवेट मंडी आएगी तो आड़ती है वो भी ख़त्म होगा, और जब MSP नहीं होगी तो सरकारी खरीद नहीं होगी, सरकारी खरीद नहीं होगी तो डिपो पे अनाज नहीं आएगा, डिपो पे अनाज नहीं आएगा तो गरीब को नहीं मिलेगा। जब भंडार क्षमता खत्म कर दी तो जो बड़े व्यापारी हैं वो उसका इकट्ठा करेंगे और मनमर्जी का भाव, तो आम उपभोक्ता को भी इसका नुकसान होगा। तो मेरा कहने का मतलब, ये एक ऐसे कानून है जिससे हर आदमी पीड़ित है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे वो आड़ती है, चाहे छोटा व्यापारी है, चाहे BPL के लोग हैं, चाहे आम उपभोक्ता है, तो उन्हीं सभी के साथ मैं भी तो इस देश का एक नागरिक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, अगर हम बात करें 2019 के घोषणा पत्र की, तो उसके अंदर 17वें पेज के ऊपर 21वां भाग जो है वो ये कहता है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है उसके अंदर आज के वक्त के हिसाब से बदलाव किए जाएंगे और आपदा स्थिति के अंदर ही इस एक्ट की मान्यता होगी। ये एक्ट जो है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है 2019 के। ये कहीं कुछ नहीं, उन्होंने ये कहा हम कृषि कानूनों में सुधार करेंगे। सुधार में तो यही नहीं था, हमारा सुधार जब आता तब पता लगता आपको, और हम जो सुधार करते तो वो सभी का किसान, जो किसान है, किसान संगठन है, उनसे राय लेके करते। इनकी तरह चोर दरवाजे से थोड़ा ही करना था, इन्होंने तो चोर दरवाजे में पहले ऑर्डिनेंस लेके आए कोरोना काल में, फिर कोरोना काल में एक दिन का सेशन लोगों को बोलने तक नहीं दिया, राज्यसभा में धमनी पद से मार पारित कर दिया गया। तो हमने कहीं ये नहीं लिखा कि मंडियां बंद की जाएगी, MSP का नहीं होगा, इस तरीके का। हमने कहा सुधार करेंगे। सुधार का मतलब क्या है, जब हमारा सरकार आती तो सुधार आपके सामने आते, हम किस तरीके से सुधार करते। ठीक है। अच्छा, अब अंतिम बात मुझे ये बता दीजिए, किसान आंदोलन का अंत कैसे होगा, कैसे समाप्त होगा किसान आंदोलन? नहीं देखिए, वैसे तो सरकार ने फैसला करना है, पर मेन मुख्य मांग जो हमारी है कि यही है कि कम से कम, बाकी तो देखो संगठनों ने फैसला करना है, क्योंकि आगू लोग वो हैं, हम तो लोगों को सिर्फ एक उनका जो किसान का है मनोबल बढ़ाना और सरकार पे दबाव डालना, फैसला तो दोनों की सहमति से होगा, सरकार और संगठन की सहमति से होना है। पर मेरा जहाँ तक सोच है, मेरी ऐसा है कि कम से कम MSP की गारंटी और कानून बने तो किसान का हित हो सकता है। मतलब अगर
डॉक्टर केवी सिंह जी इस वक्त ओएसडी होते सरकार के अंदर या बड़े सलाहकार होते तो क्या करते, वो जवाब चाहिए। मैं ओएसडी का कभी ये रोल नहीं है, ये काम होता है चुने हुए नुमाइंदों का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का। और इसमें ना तो मुख्यमंत्री का कोई रोल है, ना किसी एमएलए का रोल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार है, चुनी हुई सरकार का रोल है उसमें। ओएसडी का, मैं अगर ओएसडी होता तो भी मेरा कोई रोल नहीं होता, ये काम चुने हुए नुमाइंदों का, सरकार का होता। तो आप जिन्हें सुन रहे थे ये हैं डॉक्टर केवी सिंह जी, और अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलवाने वाले हैं हरियाणा के कांग्रेस के वो विधायक जिनके बारे में एक चर्चा तो हुड्डा साहब से लेकर और ऊपर तक के लोग करते हैं कि नया नवेला विधायक आया लेकिन पहली बार संसद विधानसभा में बहुत खूबसूरत अंदाज में बोला। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उनसे मिलवाएंगे, नाम है अमित शहा। देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़ आपका विश्वास।